हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 में हम एक्सरसाइज 17 तक कर चुके थे और मैंने बोला था होमवर्क के लिए आपको कि इसमें 12 सेंटेंसेस है, 12 सेंटेंसेस को 10 टाइम्स पहले रीड करना है, फिर 6-6 टाइम्स हमें लिखना है, हर सेंटेंस को 6 टाइम्स लिखना है। फिर उसके बाद हमें एक्सरसाइज 18 करनी थी। 17 तक हमने किया था, एक्सरसाइज 18 करते हैं आज। तो एक्सरसाइज 18 में क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 18 में है, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है, डू ये हो गया शॉर्ट फॉर्म है, यू भी शॉर्ट फॉर्म है। तो व्हाट डू यू थिंक वी ऑट टू डू, व्हाट डू यू थिंक वी ऑट टू डू, ठीक है। फिर ये क्या है, आई थिंक वी शुड गिव देम, गिव भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है, गिव देम अ मंथ इन विच टू पे द बिल, ठीक है। ऐसे ही हमें सबको 10 टाइम्स रीड करना है, जितने भी हैं 14 सेंटेंस हैं, 14 को 10 टाइम्स रीड करना है, फिर 6 टाइम्स इनको लिखना है हर सेंटेंस को। तो ऐसे बोल बोल के लिखना है और बोल बोल के रीड तो बोल के ही करना है। तो इफ़ यू विश टू कैच द बोट, इफ़ यू विश टू कैच द बोट, सही है, यू विल हैव टू लीव अर्ली, ठीक है, अर्ली। तो इफ़ यू विश टू कैच द बोट, यू विल शॉर्ट फॉर्म में यू विल हैव टू लीव द अर्ली, लीव अर्ली। फिर आएगा आई थिंक यू विल हैव टू बाय अ कॉयल फॉर योर कार। फिर क्या है नेक्स्ट, इफ़ यू कैन अराइव एट 5, यू विल बी इन टाइम फॉर द टॉक। ऐसी हमें 10 टाइम्स हर सेंटेंस को रीड करना है, ठीक है, और 6 टाइम्स लिखना है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब आएगा जॉइन डिप्थोंग्स। अब डिप्थोंग्स जो हमने पढ़े थे, आई एन्जॉय ओए गाओ म्यूज़िक, ये हमने पढ़ा था। आई के लिए हमें क्या लगाना है, ये लगाना है, ओए के लिए ये साइन है, गाओ आऊ के लिए ये है, और यू के लिए ये है, सही है, यू के लिए क्या है, ये है, सॉरी, यू के लिए ये है। तो ये साइन है, ये हमने पढ़ा था कि ये फर्स्ट प्लेस में बनेंगे, आई और ओए, और आऊ और ये जो बनेंगे, आऊ और यू जो बनेंगे वो थर्ड प्लेस में बनेंगे। नाउ द डिप्थोंग साइंस आर जॉइंड टू स्ट्रोक्स व्हेन एन इजी जॉइनिंग कैन बी मेड। जब इजी जॉइनिंग बनाई जा सकती है, उस केस में ही हमें डिप्थोंग के साइन को ज्वाइन करना है। किसी स्ट्रोक के साथ कब ज्वाइन करेंगे, जैसे आई हमने पढ़ रखा है, आई को फर्स्ट प्लेस में बनाना है, जैसे आईज लिखना है, एस स्ट्रोक पढ़ रखा है हमने, तो आईज इजी ज्वाइनिंग जहाँ पे हो रही होगी उस केस में, कन्वीनियंट ज्वाइनिंग हो रही है उस केस में करना है आईज हो गया, ठीक है, आईज हो गया, ठीक है। फिर आईज लिखना है, आईज आंखों वाला, तो ई ये एस है और ये ज है, ज पढ़ा था हमने स्ट्रोक, तो आईज हो गया, उसमें ज का साउंड आ रहा, आइटम, ठीक है, आइटम हो गया। ऐसे ही हमें करना है, आइडल हो गया, डिनाई हो गया, ऑयल, ओए का साउंड है तो ऑयल, ठीक है, ऑयल तो ऑयल हो गया, ऑयल ऐसे लिखेंगे, ड्यू ऐसे लिखेंगे, फ्यू ऐसे लिखेंगे, ईशू ऐसे लिखेंगे, ईशू, ठीक है, ईशू हो गया। न्यू लिखना है तो न्यू, यू का साउंड है, ठीक है, न्यू हो गया, ऐसे ही न्यू हो गया। ये कर्व के साथ जहाँ पे कन्वीनियंटली बन रहा है वैसे हमें यू को बनाना है, न्यू के बाद आएगा वैल्यू, वी स्ट्रोक हो गया, एल हो गया, यू हो गया, वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सारी इनकी प्रैक्टिस करनी है। द साइन फॉर आउ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द वर्ड, जो साइन है
आउ का, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। साइन आउ के लिए कौन सा है, जैसा मैंने बता ही रखा है, आउ के लिए साउन है, साइन है ये वाला। तो द साइन फॉर आउ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द वर्ड। नाउ में इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, इसमें एन जो हुक बनाएंगे उसमें ये बना देंगे, पूरा नहीं होगा, एक एक साइड हम लेंगे उसका, एक हिस्सा लेंगे, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, नाउ नाउ, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा जो आउ के लिए साउंड है, नाउ के साथ के लिए ओनली। द साइन फॉर आई इज कॉन्ट्रैक्टेड, और जो आई का साइन है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। आई का क्या है, आई का जो है साइन वो ये है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा बिफोर एल एम एल, बिफोर एल एम के एंड अपवर्ड आर, एंड अपवर्ड आर टू फॉर्म सच फ्रेजेस, इनके साथ, एल के साथ, एम के साथ, के साथ और अपवर्ड आर के साथ, इन चार के साथ हमें याद रखना है, एल एम के एन अपवर्ड आर के साथ आई के साइन को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो जैसे हमें लिखना है आई विल, ठीक है, आई विल लिखना है हमें, तो आई विल, आई यूं होता है आई, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा ऐसे, आई विल, इसके साथ एल लगा दिया जाएगा तो आई विल को रिप्रेजेंट करेगा, आई विल, ठीक है, आई विल हो गया। नाउ आई एम लिखना है हमें, बिफोर एल बोल रखा है, बिफोर एम बोल रखा है, के बोल रखा है और अपवर्ड आर, तो बिफोर एम मतलब आई एम, एम स्ट्रोक से पहले, मतलब आई एम लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे आई एम, ठीक है, और आई मे लिखना है, बिफोर एल है ना, बिफोर एम है तो आई मे भी बना सकते हैं हम, आई मे, आई कैन, आई कैन, कैन का हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है आई कैन, यूं करने की जगह इसको हम यूं करेंगे आई कैन, और आई राइट मतलब आई राइट, ठीक है, आई राइट को भी ऐसे ही लिखेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा क्योंकि अपवर्ड आर से पहले आ रहा है, अगर एल एम के और अपवर्ड आर से पहले आ रहा है, द शॉर्ट फॉर्म यू इज टर्न्ड ऑन द, टर्न्ड ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेजेस, ठीक है, कुछ फ्रेज को बनाने के लिए जो जो शॉर्ट फॉर्म यू है उसको टर्न करेंगे, कैसे, जैसे कैन पढ़ रखा है हमने, कैन के साथ यू बनाना है, तो यू ना बना के हम इसको, ना बना के हम ऐसे बनाएंगे कैन यू, उसी की साइड स्ट्रोक के साइज ही हम उसको मोड़ देंगे, कैन यू, गिव हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है गिव यू, विद पढ़ा पढ़ा है हमने शॉर्ट फॉर्म विद, विद के साथ यू, सही है, वैन पढ़ रखी है शॉर्ट फॉर्म ये हो गई वैन यू, ये हो गया, सही है, वॉट शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है वॉट यू लिखना है तो यू, मतलब उसी की डायरेक्शन में हम उसको टर्न कर देंगे, वुड पढ़ रखा है हमने तो वुड के साथ यू लगा देंगे तो वुड यू हो जाएगा, आर पढ़ रखा है आर के साथ यू लगा देंगे तो आर यू हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये तो हो गए डिप्थोंग खत्म हो गए, अब इसके आगे हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है ट्राइफोन्स, ट्राइफोन्स को हमें पढ़ना है, तो ट्राइफोन्स में क्या है, अ स्मॉल टिक एडिड टू अ डिप्थोंग, डिप्थोंग के साइन में, जो डिप्थोंग के साइन हमने पढ़ रखे हैं आई ओए आउ और यू, ये जो साइन है इसमें एक स्मॉल टिक को ऐड कर दिया जाएगा, अगर हम ऐड करते हैं अ स्मॉल टिक एडिड टू अ डिप्थोंग साइन इंडिकेट अनदर वोवल फॉलोइंग द डिप्थोंग, सही है, इंडिकेट करता है अनदर वोवल को, जो इंडिकेट करता है उसको बोलते हैं ट्राइफोन्स। नाउ अब हमें इसके एग्जांपल देखने हैं, तो सबसे पहले आएगा बाइंग, अगर हमें लिखना है बाइंग बाइंग, उसमें स्मॉल टिक जो ऐड कर रखा है हमने, बी हो गया बाइंग के लिए, फर्स्ट प्लेस आई का साउंड आ रहा है, इसके साथ ए को लगा देंगे तो बाइंग, ठीक है, बाइंग 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 होता है ना, तो बाइंग हो गया, ठीक है, डाइंग लिखना है हमें डाइंग, तो डाइंग नहीं होता, डाइंग डाइंग, फिर आएगा लाइंग, लाई लाई के साथ एक स्मॉल टिक लगा देंगे, लाइंग हो गया, वाया, जैसे वी लिखा वा या, जो स्मॉल टिक जो है ऐड हो रहा है डिप्थोंग के साइन में, जो अनदर वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो डिप्थोंग के बाद एक वोवल का साउंड आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्मॉल टिक, ठीक है, जैसे वाया में क्या आ रहा है, वाया डिप्थोंग के साउंड का वाया, आ की साउंड आ रही है ना, वेराइटी वी आर ए, वे रा राय राय
राय आ रहा है ना ए,